नमस्कार दोस्तों, उत्तम टेक्निकल हेल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ़ोन से मतलब अनलिमिटेड जीमेल कैसे बना सकते हैं बिना किसी नंबर को डाले हुए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है फिर भी आप जीमेल बना सकते हैं, जितनी चाहे आप उतनी भी जीमेल बना सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जब किसी एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड होते हैं तो वहाँ पर ओपन विथ जीमेल अकाउंट देता है। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आती हैं जिनका रिव्यू मैंने भी किया है दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पर जीमेल का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसे में अगर आप अपनी पर्सनल जीमेल नहीं डालना चाहते हैं तो आप अपनी फेक जीमेल डाल के अपना काम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस है, पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को अभी तक अगर लाइक और शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई जल्दी से कर दो, क्योंकि बाद में पता नहीं टाइम मिले या ना मिले दोस्तों। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना ताकि मेरी आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपके फोन में होगा ही दोस्तों, जीमेल के नाम से आता है, फोन में पहले से इनबिल्ट होता है, ठीक है। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, जो जीमेल होंगी जीमेल यहाँ पे आ जाएंगी। फिलहाल तो मैंने सभी डिलीट कर रखी है जीमेल। तो यहाँ पे थ्री डॉट आपको कॉर्नर में दिख रहे होंगे, तो थ्री डॉट पे आपको जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कॉर्नर में एक एरो का निशान दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। आपको इस पर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपकी जितनी भी जीमेल होंगी वो सब नीचे आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अकाउंट का, ठीक है। तो ऐड अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। गूगल वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे चेकिंग इन्फो का ऑप्शन आपके सामने आएगा। जो आपकी स्क्रीन में पासवर्ड लगा होगा वो पासवर्ड आपसे यहाँ पे डालने को बोलेगा, तो आपको पासवर्ड डाल देना है। तो ये देखिए हमारे पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पे क्रिएट ए अकाउंट पे क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको न्यू अकाउंट बनाना है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ अंकित, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ कुमार, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको जिस जो भी ईमेल बनाई उसके डेट ऑफ बर्थ कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, ए टू जेड। तो यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ, यहाँ पे छः डाल देता हूँ, अरे जो भी मन में आया वो आप डाल दीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने डाल दिया। जेंडर, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने क्रिएट ए जीमेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अंकित कुमार के नाम से आपको डाल देना है, अंकित कुमार 123। नेक्स्ट, अच्छा अभी नहीं ले रहा है, एक सेकंड में देख के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने गड़बड़ ये कर दी थी कि यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर का यूज कर दिया था। आपको कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है यहाँ पे, याद रखना। आपको कैपिटल लेटर जो यहाँ पे मैंने डाला था आपको उसको हटा देना, सब पूरे स्मॉल लेटर रखने और नाम कुछ ऐसा डालना जो यूनिक हो, थोड़ा नया हो, ऐसा ना, मतलब इस तरह का कोई नाम पहले ना बनाओ इस नंबर से जीमेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ले लिया। अब यहाँ पे अपना कोई भी आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर देना है, जो भी आपका पासवर्ड हो। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पोस्ट करके कोई भी पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद आगे आपको नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट का नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर एक बार क्लिक कर देना। क्लिक करने का कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पे आपके सामने आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, अगर आप स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, या फिर आप इस पर क्लिक कर दीजिए यस आई एम इन दोस्तों। या मतलब ये मेरी ही डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। आई एम एग्री पे क्लिक कर देते हैं, ये जीमेल बनकर रेडी हो चुकी है दोस्तों। तो ये देखिए ये आ गया, और नेक्स्ट चेकिंग इन्फो करेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड तक लेगा, उसके बाद ये आपके सामने बन के आ जाएगी, आ जा आने ही वाली होगी आपके सामने। ये देखिए दोस्तों आ गई, ठीक है, ये आपके सामने जीमेल आ गई दोस्तों। तो इस तरह से आप भी अनलिमिटेड जीमेल बना सकते हैं इस ट्रिक का यूज करके। लेकिन याद रखना कि आपको एक दिन में 2 या 3 जीमेल ही बनानी है, इससे ज़्यादा अगर आप एक साथ बनाएंगे तो आपसे नंबर मांगने लगेगा, क्योंकि आपकी जो आपका फ़ोन है उसको चेक करने लगेगा गूगल। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको एक दिन में केवल 2 या 3 ही जीमेल बनानी है अगर आप अनलिमिटेड जीमेल बनाना चाहते हैं। तो फिर आप दूसरे दिन 2-3 जीमेल बना लीजिए, फिर दूसरे दिन ऐसे करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दो। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।